अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वजाहत वास्ती एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बनाने जा रहे हैं एप्लीकेशन, उसके अंदर एक वॉच टेलीविजन ऐप इन एंड्रॉयड, बेसिकली एक ऐप बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर जो ना हम क्या करेंगे कि इस तरह का एक डैशबोर्ड हमारे पास होगा, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक इमेज लगी हुई है और चार बटन लगे हुए हैं जस्ट, ठीक है। ये डिज़ाइन कैसे बनाया मैंने, बड़ी सिंपल सा जो डिज़ाइन है, इसके अंदर कोई कार्ड व्यू यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल वेरी सिंपल डिज़ाइन है। कैसे बनाया मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बाकी इसके कोड जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सही है। एज सच ऐसा कोई बहुत बड़ा डिज़ाइन नहीं है। ऑलराइट, बट जब अगर बताना आप लोग इस चीज़ को अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं देखो मैं बता भी रहा हूँ आप लोगों को। ये है कि लीनियर लेआउट एक अप्लाई किया हुआ, सही है, सबसे बाहर, उसके बाद जो है स्क्रॉल व्यू अप्लाई किया हुआ, नथिंग, और फिर इमेज लगाया है इमेज के नीचे, फिर लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल। देखो मैं इधर ही कोड पे समझाता हूँ आप लोगों को। देखो एक पूरा लीनियर लेआउट हो गया, इस लीनियर लेआउट के अंदर हमने स्क्रॉल व्यू लगा दिया, ठीक है। इस स्क्रॉल व्यू के अंदर जो ना हमने क्या करवाया है कि एक इमेज लगाया जो कि ये रहा, फिर लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, ये वाला लीनियर लेआउट पूरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और फिर नीचे वाला ये लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, और इनके अंदर दो बटन लगा दिए जस्ट, नथिंग वी हैव डन, ठीक है। तो ये काम हुआ बड़ा सिंपल सा। तो इस तरह का डैशबोर्ड, इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अब हमने जो ना क्या करना है कि इन बटन्स पे क्लिक करें तो कैसे हमारे पास एक न्यू एक्टिविटी लॉन्च होगी, और वहां पर जो ना हमें जिस चैनल के ऊपर क्लिक करें तो उसका जो ना उसकी जो वेबसाइट है या जो स्ट्रीमिंग हो रही है वहां पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, इस चीज़ को हम देख रहे थे। ओके, तो सबसे पहले इन बटन्स को आईडी देनी है, तो इनको आईडी दे चुका हूं मैं, हम टीवी एंड ARY एक्सप्रेस समा, इस तरीके से मैंने चार चैनल्स के जो ना लिंक्स यहाँ पर डालने हैं, ठीक है, अभी डालता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया, सही है जस्ट। अब जब मैं मेन के अंदर आता हूँ तो मेन के अंदर कुछ नहीं हुआ अभी फिलहाल, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई बटन, ठीक है, और बटन को मैं अंदर नहीं कहता हूँ कि भाई हम टीवी, ठीक है, हम टीवी मैंने कह दिया, उसके बाद जो ना ARY टीवी मैंने कर दिया, उसके बाद जो ना समा टीवी मैंने कर दिया, और एक्सप्रेस टीवी मैंने कर दिया, ठीक है। सॉरी, अब इन सबको ना बाइंड करना, हम टीवी और इजिकल टू, यहाँ पर बाइंडिंग करवानी है हमने, ठीक है। बटन कर दिया, फाइंड योर आईडी कर दिया, फाइंड योर आईडी r.id. क्या रखा था हमने, हम रख दिया था, सही, वहाँ पर ये चीज़ हो गई है। और ARY कर दिया हमने, इजिकल टू, इसके अंदर मैंने कर दिया बटन, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ फाइंड योर आईडी r.id. ARY है जो भी है, ठीक है, हमारे पास जो भी इसका नाम था, बटन्स की बाइंडिंग करवा रहा हूँ बेसिकली अभी, सही है। देन इसके बाद आएगा समा टीवी इज इक्वल टू, और मैं इसके अंदर करता हूँ बटन, ठीक है, और फाइंड बाय आईडी r.id. ठीक है, समा, ये मैंने कर दिया। देन व्हाट यू हैव टू डू इज, हमने क्या करना है एक्सप्रेस के लिए, एक्सप्रेस इज इक्वल टू, ठीक है, बटन, एंड देन फाइंड बाय आईडी r.id, ठीक है, और एक्सप्रेस, ये काम हमने कर दिया। यहाँ पर बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो सब के लिए क्लिक का इवेंट बनाना हमने। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जब हम का बटन क्लिक हो जाए तो उसके लिए डॉट सेट ऑन क्लिक नर यूज होता है, आपको पता है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और न्यू के अंदर ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि बस इस बटन के ऊपर क्लिक हो जाए तो क्या हो जाए, हम टीवी का मेथड कॉल हो जाए, ठीक है, और हम टीवी, सॉरी, ये हम टीवी नहीं, हम टीवी मेथड, ठीक है, हम टीवी मेथड यहाँ पर कोई भी नहीं है कह रहा है, हम इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पर ना, जब आप क्लिक करेंगे और इसे क्लिक कर देंगे हम, तो यहाँ पर ये क्या कर देगा, आपको बोलेगा क्रिएट मेथड हम टीवी, जी हाँ कर दें, कहाँ पर, एक्टिविटी के अंदर, तो उसने हम टीवी के नाम से एक मेथड बना दिया नीचे, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड करने के लिए कोड को ना, सही है। बाकी ये क्लिक यहाँ पर ख़त्म हो गया हम का, फिर समा के लिए समा टीवी और डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर मैं कहता हूँ न्यू ऑन क्लिक लिस्नर, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, समा टीवी मेथड, ठीक है, समा के लिए, और मेथड बनाना है यहाँ पर हमने, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो क्रिएट मेथड मेन के अंदर समा का मेथड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जब समा का बटन क्लिक होगा तो ये वाली चीज़ चल जाएगी, सही, मेथड कॉल हो रही है और नीचे मेथड की हमने डिक्लेयर कर दिया, और फिर ARY के लिए ARY.set ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, न्यू कर देते हैं, ऑन क्लिक कर दिया हमने, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई ARY मेथड, ठीक है, इस तरीके से, और
यार वाई मेथड की बात करें तो यहाँ पर देखें इसका हो रहा है, हम इसको क्रिएट मेथड करते हैं मैन के अंदर, ठीक है। तो ए आर वाई मेथड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये काम हो गया यहाँ पर। और उसके बाद हमें और क्या चाहिए, और हमें चाहिए एक्सप्रेस मेथड, एक्सप्रेस टी वी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू करके ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पर एक्सप्रेस मेथड, ठीक है, ये काम हो गया। और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर दिया, मैन एक्टिविटी कर दिया, ठीक है, एक्सप्रेस मेथड यहाँ आ जाएगा। सारे मेथड्स यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि व्हाट आई वांट इज़ कि भाई जब इनका क्लिक हो जाए तो ये वाली चीज़ चलेगी ना। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम टीवी की बात करते हैं, अगर हम टीवी चलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाए पता है, यहाँ पर ये हो जाए कि भाई जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इंटेंट हो जाएगा ना, इंटेंट मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी पे, मतलब वो जो वेब व्यूअर मेरा खुलेगा वो चीज़ बनानी है मैंने। तो प्रोजेक्ट के अंदर जाता हूँ, लेआउट्स के ऊपर जाके राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक एक्टिविटी बनाता हूँ, न्यू पर जाके एक्टिविटी एंड प्री एक्टिविटी मैं देखता हूँ माई वेब व्यू, ओके एक्टिविटी बना दिया हमने यहाँ पर इसको एम्प्टी सा। तो अभी इस वेब व्यू के ऊपर हमने क्या करना है, वेब व्यूअर अप्लाई करना है। वो एक वेब व्यूअर क्या है, एक ब्राउज़र होता है, ठीक है, ब्राउज़र यहाँ पर हमने अटैच करना है। अच्छा यहाँ पर ये एरर दे रहा है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि प्रोजेक्ट को ना बिल्ड होने दे पहले सही से, जब तक ये प्रोजेक्ट सिंक नहीं होगा तो ये एरर आपको रहेगा, ठीक है। तो अभी भी रह रहा है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि भाई जब ऐसा आपके पास हो जाए ना आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इस प्रोजेक्ट को क्लोज करके दोबारा ओपन कर दे, सही हो जाएगा, ठीक है। यार रीबिल्ड कर दें, देखो जैसे मेरे पास ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, क्लोज करके ओपन कर दें या फिर जो है ना रीबिल्ड कर दें इसको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था मेन के ऊपर, ठीक है, हम टीवी हो गया। अब यहाँ पर हमने काम करना है, इंटेंट करवाना है किसके ऊपर, उस एक्टिविटी के ऊपर, सही है। तो वेब व्यूअर की बात करें तो वेब व्यूअर यहाँ पर हमें इसके अंदर क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ब्राउज़र चिपका देता हूँ, सबसे पहले इसको यहाँ पर रिलेटिव लेआउट कर दूँ, ठीक है, रिलेटिव लेआउट। और इस रिलेटिव के अंदर हमने ब्राउज़र लगाना है, ठीक है, ब्राउज़र कैसे लगाते हैं, कंटेनर के अंदर जा रहा हूँ, वेब व्यूअर, ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया, मैच पेरेंट, मैच पेरेंट, ठीक है, ताकि जो ना ये फुल स्क्रीन में आ जाए। और इसका नाम मैं रख देता हूँ माई वेब व्यू, मैं खास रख देते हैं, ठीक है, मैंने वाई मैं माई वेब व्यू रख दिया। यहाँ पर आएंगे तो ये लोड हो जाएगा, सही है। अब मेन से मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ से जब मैं हम टीवी का बटन क्लिक करूँगा, सही है, हम टीवी का बटन कहाँ है, हम टीवी डॉट सेट क्लिक लिस्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा, हम टीवी का मेथड चल जाएगा। जब ये मेथड चलेगा तो आपको यहाँ पर जो ना इंटेंट मिलेगा, आई एन टी एन टी, देखो आई एन टी एन टी इंटेंट, सॉरी इनको ज़रा देख के करना पड़ेगा मुझे, इंटेंट और अल्टरनेट करके इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी, इंटेंट इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर बताना है कि हमने कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मेन से लेकर मेन डॉट दिस से लेकर मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, मैं जाना चाह रहा हूँ अपना उसके ऊपर माई वेब व्यू के ऊपर, ठीक है, डॉट क्लास बस। और हमने यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी करना है ताकि ना वो चला जाए वहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी को लोड करवाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, इंटेंट पास कर दूंगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जब आप जा ही रहे हैं तो आप यहाँ से क्या लेके चले जाएँ, एक पार्सल लेके चले जाएँ, एक लिंक लेके चले जाएँ। कौन सा लिंक, वो लिंक ये है कि भाई आपने यहाँ से उस वेबसाइट का लिंक लेके जाना है, यूआरएल लेके जाना। तो वो कैसे लेके जाता है पता है, वो ऐसे लेके जाता है कि यहाँ पर मैं ना एक चीज़ करता हूँ, वो ये करता हूँ कि इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। इस इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा के अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ऐसे कर दी मैंने, इसका नाम देखो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा दो तरीके से काम करता है, एक तरीके से काम इस तरीके से काम करता है, की और वैल्यू के हिसाब से। ये की क्या है, उसका नाम है, उस पार्सल का नाम है, क्या नाम रखना चाह रहा हूँ मैं, हम टीवी कर दिया मैंने, कोई भी नाम ले दो। अब कॉमा में वैल्यू क्या लेके जाना चाह रहे हो, वो वैल्यू यहाँ आएगी, तो क्या होना चाहिए, हम टीवी के चैनल का लिंक। तो वो लिंक मैं कहाँ से लेके आता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ लिंक यहाँ से, ठीक है, मैंने ये कॉपी कर दिया एंड पेस्ट कर दिया यहाँ पर, हम टीवी का लिंक आ गया यहाँ पर। सेम एज़ यही सारा काम कॉपी पेस्ट करूँगा सब के लिए, ठीक है, सब के लिए, एक्सप्रेस के लिए भी, सब के लिए, ठीक है। करने के बाद जो ना इन सब के लिंक्स चेंज करने हैं, यहाँ पर ए आर वाई था ना, तो बेशक एक काम करते हैं, यहाँ से जो हम लिखा ना मैंने, मैं इसको लिख देता हूँ लिंक्स कर देता हूँ यहाँ से, एल आई एन के लिंक्स, ठीक है, सबको ना सबकी की सेम है, सही है, कोई इशू की बात नहीं है, लिंक्स, ताकि हम जो रिसीव करेंगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ रिसीव करेंगे, लिंक्स, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आएगा ये चीज़ हो गई है।
हम टीवी सही है, और समा को अगर लिंक लगाना चाह रहा हूँ मैं, समा को मैंने कॉपी कर दिया, और वहाँ से कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर समा का जो लिंक था इस लिंक को मैं यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ ऐसे करके, सही है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद आएगा हमारे पास ए आर वाई का लिंक, ए आर वाई के लिंक को मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, तो ए आर वाई के लिंक आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, ये चीज़ हो गई। एंड देन देखें सामा एक्सप्रेस का लिंक जो है मेरे पास फिलहाल मौजूद नहीं है, चलो ठीक है जो भी है, ठीक है, यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ इन सबको, सही है, इंटरनेट पुट एक्स्ट्रा के जरिए से। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं माई वेब व्यू के ऊपर लोड करवा दूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि माई वेब व्यू के ऊपर जाके, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि वहाँ पर रिसीव करवाना, सही है, इस एंड पे। तो यहाँ पर देखें वो जो हमने जो वेब व्यूअर लगाया था ना, उसको सबसे पहले तो यहाँ पर डिक्लेयर करना है आपने। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको ये जो वेब व्यूअर का जो पेज है, ठीक, एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में सबसे पहले क्या करता हूँ, वेब व्यू, ठीक है, ऑल इंटर करके इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा दी। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि माई वेब कोई भी नाम दे दें इसका, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं, सही है। अब इस माई वेब क्या चीज़ है, इसको हमने ना कास्टिंग करवानी है, इज इक्वल टू, मैंने कहा कि ये वेब व्यू है, और फाइंड वाई आई डी कर दिया, आर डॉट आई डी कर दिया, और डॉट करके मैंने क्या कहता हूँ माई वेब व्यू, ये वाले जो हमने एक्सएमएल के अंदर जो बनाया था, सही है। देन व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पर ना वो जो इंटेंट वहाँ से हम भेज रहे थे उसको गेट करवाना, सही है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई परेशानी की मदद नहीं है। देखिए इंटेंट, सॉरी इंटेंट 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 इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, ठीक है, और देखिए इंटेंट इंटेंट इज इक्वल न्यू इंटेंट तो हमें करने की जरूरत नहीं है, मैं, ठीक है, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर गेट इंटेंट कर देता हूँ, गेट इंटेंट कर दिया मैंने। अब इस गेट इंटेंट के बाद फ़ौरन से क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे ऊपर यहाँ पर वो एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसके अंदर मैं वेबसाइट के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं रिसीव करवाना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ रिसीव करवाना चाह रहा हूँ, मैं जो वहाँ से चीज़ भेज रहा हूँ वो इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा के अंदर आपने जस्ट लिंक्स बताओ, लिंक्स किस नाम से आ रहे हैं, वहाँ से लिंक्स के नाम से आ रहे हैं प्रोबेबली, ठीक है, वहाँ से जो हमने की दे दी थी ना ये यही, क्योंकि सब क्या सेम है, सही है, तो ये कर दिया मैंने। अब क्या करना है कि भाई जो मेरा वेब है इसको, सही है, तो डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट करना है, और इसके अंदर ना वेब व्यू क्लाइंट के अंदर क्या करवाना है, न्यू करके ना वेब व्यू क्लाइंट करना है बस, ठीक है, ताकि ये प्रॉपरली इनेबल हो जाए। और फिर जो ना एक इम्पोर्टेंट काम ये है कि भाई वेब सेटिंग्स, ठीक है, वेब सेटिंग्स लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दो, वेब सेटिंग, और वेब सेटिंग इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, मेरा जो वेब व्यूअर है डॉट गेट सेटिंग करना है, ठीक है, और ये काम हो गया। ये किस लिए बना रहे हैं, इसका रीज़न है, ये जो वेब सेटिंग हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, इसका रीज़न है, इसके ज़रिए से हम जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर देंगे, डॉट जावास्क्रिप्ट इनेबल ट्रू कर दो इसको, जावास्क्रिप्ट को ट्रू कर दो, ताकि ना जावास्क्रिप्ट भी प्रॉपर सिंपल विजिबल रहे, ठीक है। और रही बात बटन प्रेस की, तो ऑन ब्रेक प्रेस जब, यानी बटन प्रेस होगा तो क्या हो जाए, देखो जब ब्रेक का बटन प्रेस हो जाए तो क्या हो जाए, वो जहाँ से आया वहाँ रिडायरेक्ट हो जाए, तो उस काम के लिए मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जनरेट कर देता हूँ, और राइट मेथड के ऊपर चला गया, और यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑन ब्रेक प्रेस कर दिया। तो ऑन ब्रेक प्रेस के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब ब्रेक का बटन प्रेस हो जाए तो अगर, ठीक है, ऐसे करके, तो अगर मेरे जो माई वेब व्यू डॉट कैन गो बैक, अगर पीछे जाने की गुंजाइश है, बैक साइड मतलब जब बैक करेंगे तो बैक पे जाने की गुंजाइश है, तो क्या हो जाए कि भाई माई वेब व्यू डॉट गो बैक चला जाए पीछे, सही है, वरना क्या हो जाए भाई यहाँ पर एल्स के अंदर, ठीक है, और ये जो एल्स है इसमें से ये एल्स यहाँ पर बंद कर देता हूँ, सही है, वरना क्या हो जाए, वरना ये हो जाए कि भाई जो ना वो बैक चला जाए, सही है, मेरी मेन एक्टिविटी से बाहर चला जाए। तो ये चीज़ हो गया, और कुछ नहीं रह गया यहाँ पर, बस सही है, तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ जो ना हमें क्या करना है, बस इसको रन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको यहाँ से रन कर लेता हूँ, सही है, जस्ट, तो देखिए कैसे करना है, मैन कर दिया, आईटेल मेरे पास मोबाइल कनेक्ट है, सही है, मैं इसके ऊपर रन कर रहा हूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ना
रन कर लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट को। ये जो आईटेल मेरा मोबाइल फ़ोन आ रहा है तो मैं इसके ऊपर अपने मोबाइल को ऊपर रन कर लेता हूँ और आउटपुट देख लेते हैं कि जो है क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो अभी दोबारा रन करते हैं प्रोजेक्ट को। यहाँ पर जाकर इंटरनेट परमिशन आप लाजमी ऑन करनी है। ठीक है, इंटरनेट परमिशन ऑन होनी चाहिए अगर आप वेब व्यूअर के ऊपर काम कर रहे हैं तो। ठीक है, वरना नहीं चलेगा। तो यूजेज परमिशन एंड इंटरनेट, ओके, नाउ री रन द प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉल हो रही है और लेट्स सी कि जो भी आउटपुट आएगा हमारे पास। तो ये ऐप यहाँ पर रन हो चुकी है। देखिए, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ना, मेरे पास इंटरनेट चलना चाहिए, सही है, जिस डिवाइस के अंदर मैं चला रहा हूँ तो उसके अंदर जो ना इंटरनेट चलना चाहिए। मैं हम टीवी पर क्लिक कर लेता हूँ लाइक, तो ये देखो हम टीवी के ऊपर जो ना जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो ना रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इंटरनेट जब चलेगा तो उसके अंदर चीज़ें लोड हो रही होंगी, सही है। जब तक इंटरनेट वर्क नहीं करेगा ये चीज़ें लोड नहीं करेगा, एक ये चीज़। और चेक करता हूँ मैं, अगर कोई इशू है तो जो ना इसको मैं किसी और पे चेक करता हूँ, ए आर वाई पे क्लिक करके चेक करता हूँ। ठीक है, इंटरनेट को प्रॉपर वर्क करना चाहिए, अदरवाइज जो ना ये वर्क नहीं करेगा। तो क्योंकि ये वेब व्यूअर हमने अटैच किया तो यहाँ पर लोड होना चाहिए इसको। ठीक है, और आई डोंट नो व्हाट्स प्रॉब्लम, सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, देखें। अच्छा, वो ये हो गई कि भाई मुझे याद आया, ये वेब व्यूअर के ऊपर ना यहाँ पर असल चीज़ तो मैंने करवाई ही नहीं है। देखो, वेबसाइट के अंदर तो मैंने यूआरएल ले लिया, लेकिन यहाँ पर ना इस मेरे वेब व्यू को मैंने पास ही नहीं करवाया। मैं माई वेब को क्या करवाना है, मैंने माई वेब दोबारा देखिए, माई वेब डॉट लोड यूआरएल, इसके अंदर मैंने यूआरएल पास करनी है, सही है, वेबसाइट ये पास करवानी है। अगर मैं वेबसाइट का लिंक ही पास नहीं करवाऊंगा तो ये लोड क्या करेगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड इसको मैं दोबारा रन करता हूँ प्रोजेक्ट को और दोबारा इसके आउटपुट देख लेते हैं जो भी आउटपुट आ रहा है इसका। ठीक है, आप लोग भी देना इस चीज़ को ध्यान रखें अपने पास। ठीक है, एंड इंस्टॉल हो गई है ऐप, अब मैं होम टीवी पे क्लिक कर लेता हूँ तो ठीक है, डायरेक्टली जो है ना वहाँ पर चला गया। ऑलराइट, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जब देखें किसी वीडियो पे आ गया फॉर एग्जांपल, तो अब मैंने जो ऑन बैक प्रेस लगाया था ना वो इसलिए लगाया था कि जब मैं बैक करूँ तो सिर्फ एक्टिविटी से बाहर ना चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ जहाँ से मैं आया हूँ, सही है। एंड देन बैक और ए आर वाई क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो ना ए आर वाई का लिंक यहाँ पर लोड होना चाहिए, ओके, इस तरीके से। ये टाइम लगेगा बाहर थोड़ा सा, खैर। तो ये था हमारे पास जो ना आज के लिए जो ना, और ठीक है, अगर मैं समा पे क्लिक कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके से ये फिर समा का जो जो भी चैनल है उसके ऊपर हम पहुँच जाएंगे और इसकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले हो रही होगी, ओके, और इस तरीके से। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।